ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे कि गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें, कि मतलब कि ये फोटो यार काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूँ गाइस आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी लगेगी। इस चीज की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सभी को, बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है, तो यहां से मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड यहां पे गाइस जो मॉडल है आपको वहां पे किस तरीके से रखना है वो मैं बता देता हूं। तो गाइस जब आप मॉडल को यहां पे जब साइज है गाइस आपको देखिए जो मतलब आपका जो पीछे का जो मतलब विंग्स है इनको जो है कवर हो जाना चाहिए आपके मॉडल से, ठीक है, आपको उस तरीके से रखना है। एंड जो पीछे जो सर्कल दिख रहा है आपको गाइस वो व्हाइट कलर का, आपको उसके बीच में मॉडल को रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है वापस से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ग्लास का पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका भी, तो आपको क्या करना है आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे एक ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, आपको सिंपली इसको स्क्रीन करना है। एंड स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन को ऐसे मतलब जो पीएनजी इसको बड़ा करे कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको इसका एक डुप्लीकेट करके जो है आपको कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ भी इस तरीके से लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद गाइस ये जो ओपेसिटी है ना इसकी थोड़ी ज़्यादा लगेगी आप लोगों को, तो आपको क्या करना है इसको जो मतलब कि ओपेसिटी होगी ना तो उसको हल्के से कम कर देना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद जो आपको सिंपली अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड बाकी गाइस आपको अगर इसमें डोजन बन है एंड बाकी कलर करेक्शन जो भी है मतलब कि डोजन बन तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है तो आपको लिंक मिल जाएगी, बट कलर करेक्शन जो है अभी हम यहीं करेंगे, ठीक है। तो कलर करेक्शन के लिए क्या करेंगे, फोटो को सेव करेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको पहले से इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, आपको सिंपली इसको जो यहाँ पे माइनस की तरफ कर देना है। एंड जहाँ पे हाईलाइट है इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो शेडो होगा इसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट, आपको उसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड मिलेगा आपको ब्लैक, इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद आपको टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको कलर मिक्स में जाना है, कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है। एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है एंड जो ह्यू है इसको भी थोड़ा सा प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, ठीक है। डार्क ब्लू में जाने के बाद आपको उसको इसका जो ह्यू है आप यहाँ पे चाहो तो कुछ भी चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। एंड सैचुरेशन जो आपको कम ही रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है। एंड फोटो में जो विग्नेट है वो अपनी फोटो के हिसाब से देख लेना आपको कितना चाहिए, ठीक है, उतना ही डालना। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे ग्रेन अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद जो आपको शार्पनेस है फोटो की उसको इंक्रीज करना है। फोटो में जो नोट रोक्शन है आपको उसको बढ़ाना है। एंड इसके नीचे आपको मिलेगा कलर नोट रोक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ उसमें किसी नए वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।